हमने बिहार में महिलाओं से स्वास्थ्य और परिवार नियोजन सेवाओं के उनके अनुभवों के बारे में पूछा। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। थोड़ा बहुत झिझक टाइप का लगा, थोड़ा खराब लगा था। हम तो बतलाए थे लेकिन सर लोग बोले क्या नहीं, टाइम हो गया। वो महिला डॉक्टर थी इसीलिए मैं आराम से सारी बातें कह रही थी। हाँ शर्मे लगी को इसीलिए नहीं बोल पाए। आप कौची फायदा उठाए, हमको डर लग रहा था, शर्म आ रही थी इसलिए नहीं पूछे, खराब लगा था इसलिए नहीं पूछे। कुछ अच्छा नहीं लगा वहाँ? हाँ थोड़ा बहुत आई थी शर्म। अस्पताल गई तो ठीक ठाक ही महसूस हुआ, मेरे उतना जानकारी ना था तो हम नहीं शर्म से कुछ पूछ पाछ किए। हम व्यवहार तो डॉक्टर को कुछ अच्छा नहीं लगा, कुछ बोली में कड़क टाइप का था। सब डॉक्टर तो एक तरह नहीं ना होता है, पेशेंट के साथ मतलब ज्यादा ही करे, परेशान है पेन से एकदम ही है, कोई नहीं बुलाने पर नर्स आती थी, हो गया। बातचीत भी अच्छा से कर रहा था, लग रहा था कि अपना फैमिली से मिले हैं, डॉक्टर से ना अपना घर का परिवार से बात कर रहे थे। सदर में खाली देखता है लिखता है हो गया बस जाइए, न समझाना न बुझाना। डॉक्टर से मिलके तो ठीक लगा, पुरुष डॉक्टर से बोलने में थोड़ा प्रॉब्लम होते हैं इसीलिए महिला डॉक्टर से गए थे सलाह लेने। वो लोग का व्यवहार कुछ अच्छा नहीं था क्योंकि वो लोग का भी जो है थोड़ा बोली में उखरा उखरापन था। ठीक था, थोड़ा मना देख लेते थे कि हाँ पानी चाह रहा ये चाह रहा, दवा वा लेके दे दें और फिर चले जाते थे। डॉक्टर मेरी पूरी बात सुन रहे थे, सबके तो ठीक नहीं थे, किसी किसी नर्स तो था कि व्यवहार थोड़ा कड़ा था, एक दो नर्स जो थी वो ठीक थी अच्छी थी, और कंपाउंडर ठीक ही था, अच्छे से नहीं सुनते थे वहाँ डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब के बुलावल चाहे अच्छा लगा, ठीक लगा, मतलब अच्छा से समझाए क्या क्या प्रॉब्लम था, हम बताएं तो भी समझे अच्छा से हमको बताएं। अल्ट्रासाउंड करा में घबराहट है, बोले कि डरो मत अच्छा हो जाओगी। मेरा क्या प्रॉब्लम है उसे ध्यान लगे, वो बैठी थी काहे के लिए, वही सुनने के लिए ना, और हम गए थे काहे के लिए। इंग्लिश बोली था, फर्स्ट बार जब मिले तो हमको शर्म लगा, लेकिन डॉक्टर लोग बोले कि देखो बाबू शर्माने से आपका इलाज का कोई सलूशन नहीं निकलेगा, इसलिए शर्माओगी तो नहीं इलाज का कोई पता चलेगा, नहीं आपको ठीक होगा, ये शर्माओ नहीं, हम डॉक्टर हैं, हमसे बताओ हम सब समझेंगे और दवाई देंगे ठीक हो जाएगा। वहाँ सदर में तो जल्दी कोई सुनता नहीं है, बोलिए इधर सुनता है उधर, कोई ध्यान नहीं कुछ नहीं, चल जाइए प्राइवेट में, हमको यहाँ पर ही नहीं समझेगा। हम ही गाँव हैं, डॉक्टरे नहीं है तो नर्से नहीं है तो परेशानी में जूझ रहे हैं, सुविधा तो देना चाहिए। नीचे बहुत गंदा था, आपकी बार गए थे सदर अस्पताल में, बहुत गंदा था, बहुत गंदा, प्राइवेट में ठीक था। घर से तो है थोड़ा दूरी है, सरकारी हॉस्पिटल में तो अनुभव ऐसी रहता है जिस तरीका से जैसे आदमी को उठने बैठने का अपना भी नहीं रहता है, जैसे बैठने का जगह नहीं मिलता है या मरीज के साथ में कोई जाता है तो उसको बैठने के लिए जगह नहीं दिया जाता है। सरकारी अस्पताल में साफ सफाई उतना नहीं रहता, गरीब आदमी है हम सरकारी में जा सकते हैं, प्राइवेट में हम कहाँ से जाएंगे। हमको दवाई लिए थे तो हमको सेट नहीं किया, प्रॉपर्टी हम ये इस्तेमाल करना नहीं चाहे, और ऑपरेशन से हमको डर लगता है। प्राइवेट में ठीक था, प्राइवेट में तो आगे पीछे करते रहता है, इधर चलिए उधर चलिए, जो कराना है साथ में मिलके कराता है। उधर लैट्रिन है तो उधर गंदा कपड़ा फेंका हुआ है, गंद से तो एकदम मतलब पेशेंट जो भी अच्छा हो वो भी बीमार पड़ जाएगा, इतना गंदगी है। अभी तो कोरोना के लेके ही थोड़ा सफाई कर रहा है, कहे जैसा भी है वैसा ही होना चाहिए। भीड़ बहुत हो रहा था, धीरे धीरे बहुत भीड़ हो गया था। हम उठे के चलते रह, मेरे घर से तो 40 किलोमीटर दूर पे पड़ता है। डॉक्टर एगो रहते हैं ना लेडीज थे जो तो करके चल गए, और ना एगो दाई रहते हैं ना वो बहुत दिक्कत में दे देते हैं, जानते क्या क्या था बोलने में तो खराब लगता है, कपड़ा होता है ना जिस अथी में डाल दिए थे। ठीक ठाक था, ठीक ही ठाक था, अब अस्पताल रहता है कैसे जैसा रहना चाहिए वैसा रहता और क्या। डॉक्टर के अकेला में लेके पूछना चाहिए बढ़िया से कि आप कैसे हैं क्या प्रॉब्लम है, तो बोलते हैं गुस्सा के, तो उससे क्या आमदी बोलेगा, कैसे करवाना है इतना खर्चा लगा और तो डरे नहीं आमदी बोल पाता है। वो मेरे दुख समझ रहा है, वो मतलब अच्छे दवाई बताएंगे हम ठीक हो जाएंगे। को जैसे क्लिनिक जाते हैं वैसे दो चार गो आदमी रहता है, उस सामने में तो डॉक्टर से भी शर्म लगता है, जैसे कि वो लोग हट जाए तो
तो जैसे कंपाउंडर रहता है, नर्स रहता है, वो सब हार जाए, डॉक्टर से आदमी बात कर ले, सारा बात बता दे। गुस्सा के नहीं बोलना चाहिए, ठीक से अकेले हम बात करना चाहिए और हर बात के लिए पूछना चाहिए क्या दिक्कत परेशानी है। काउंटर होना चाहिए जहाँ सुई दवाई सब कुछ आसानी से, पानी, चेयर, बेड, नर्स, डॉक्टर सबका सुविधा होना चाहिए। महिला को सुरक्षित होना चाहिए और देखिए जब हॉस्पिटल जा रही है तो उसको डॉक्टर लोग को ये सलाह देना चाहिए कि हाँ ये करने से ये नहीं हानि है वो करने से, लेकिन ये लोग ना कुछ नहीं मतलब ही कर बतलाते हैं, बहुत हो गया तो कह देंगे सीधे कि बाहर से दवाई लीजिए आप। मेरे हिसाब से तो कि नर्स के ये बात पूछना चाहिए और डॉक्टर का समय देना चाहिए कि नर्स का से पूछे सब प्रॉब्लम के बारे में। लेडीज अगर कोई शर्मा रहा है कि नर्स का दे दे पूछने के लिए, नर्स के सामने हम लोग बोल देंगे। सुविधा होना चाहिए जैसे कि ऑपरेशन का और उसके बाद सुई का, गर्भ निरोध गोली का, दवाई का, यही सब का सुविधा सब चीज होना चाहिए। फैमिली प्लानिंग ऑपरेशन का डॉक्टर में ऐसा हो कि लगे जो अपनापन की तरह, जैसे हम उससे खुल के बात कर सकते हैं या उससे कोई संकोच ना हो, जैसे लगे कि अपना अपनों से बात कर रहे हैं, उसी अनुसार होना चाहिए डॉक्टर से बात करने में। हर लेडीज को मतलब क्या ये सब चीज के लिए बतलाना चाहिए, सुरक्षित होने के लिए उनको दवाई उबाई सुई ये सब बहुत चीज होता है, निरोग होता है, ये होता वो होता है, लेकिन वो लोग कुछ कहीं नहीं बतलाया। डॉक्टर के अच्छे से व्यवहार करना चाहिए, प्यार से बात करना चाहिए, इसीलिए खुल के बात करेंगे मरीज। प्रेम और भाव से बात करना चाहिए, प्यार से बात करना चाहिए ताकि मरीज उनसे ना शर्माए। जैसे कुछ महिला ऐसे जाते हैं कि उसको कुछ पता नहीं रहता कि कौन चीज़ कहाँ मिलेगा, कौन दवाई कहाँ मिलेगा, लेकिन अगर किसी से पूछने जाए चाहे हेल्प लेने जाए तो कोई जल्दी बताता भी नहीं है। तो ऐसे में तो सरकारी अस्पताल में तो बहुत सा ऐसा महिला है कि भटक जाती है, उसका सुविधा होना चाहिए। जैसे महिला पूछ रही है उसको जवाब देना चाहिए, लेकिन डॉक्टर जवाब नहीं देते, दो तीन ठो दवाई लिख देंगे, बोलेंगे जाइए बाहर जाइए। अब बाहर में जो जाएगा, गरीब को पैसा नहीं है तो क्या करेगा, कहाँ से लेगा, है ही नहीं। पेशेंट क्या करता, चले आता घर। नर्स बहन का कमी है, नर्स होना चाहिए। डॉक्टर में जानकारी होना चाहिए कि मतलब महिला के अकेला में बात करे, अकेला में जाँच करे तो खुल के बात करे, लाइन लगे या बैठे कुर्सी पे, मतलब सब प्रॉब्लम दवा हुआ मिल जाए, सुविधा मिलना चाहिए, सुई दवाई, जांच, अल्ट्रासाउंड। लेडी डॉक्टर रहेगी तो ना कुछ खुल के बोल पाएगी, दोस्त की तरह समझाएं, मतलब अच्छा से समझा के बताएंगे, वही अच्छा व्यवहार करें। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा नर्स रहना चाहिए अवेलेबल, डॉक्टर रहना चाहिए ताकि पेशेंट लोग को जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट मिल सके। खड़ा नहीं रहे, जाके डायरेक्ट थी डॉक्टर से दिखाएं, पर्ची कटवा के जल्दी में डॉक्टर देखें, बात भी जल्दी समझे। डॉक्टर को मतलब थोड़ा सा आराम से बात करना चाहिए जिससे वो आराम से अपना फीलिंग बता सके। कर्मचारी लोग और रहते हैं तो और ज़्यादा मतलब वहाँ पर मतलब देखभाल अच्छे से होता, जाए तो डॉक्टर से जल्दी भेंट हो जाए, वहाँ जाते तो बहुत इंतज़ार करना पड़ता है। ज़्यादा चीज़ मतलब वहाँ रहना चाहिए अवेलेबल, डॉक्टर, नर्स, मतलब एंड मेडिसिन, सुई वगैरह ऐसा सब नियमित रूप से रहेगा तो आसानी से सब परिवार को परिवार नियोजन के बारे में पता चल जाएगा। जैसे पेशेंट है उससे अच्छा से बात करना, अच्छा व्यवहार रहना चाहिए, थोड़ा आराम से बात करना चाहिए पेशेंट से और गुस्सा से बात नहीं करना चाहिए, इससे पेशेंट को थोड़ा सा अच्छा फील होता है। उनको जो ये सब चीज़ है उसके बारे में बहुत अच्छे से बताना चाहिए ताकि समझ में आए, अनपढ़ महिलाओं को भी अच्छे से समझ में आ जाए। जिसका जानकारी रहता है तो खुल करके बात करवे करता है, जिसको जानकारी ना रहता है तो मुंह ताकने पड़ता है। इसके बारे में तो हमको मालूम नहीं है, नहीं हमको ये सब पता है, जानकारी है ही नहीं। हर महिला को सम्मान के साथ उत्तम देखभाल मिलने का और परिवार नियोजन के फैसले लेने का हक है। ये वीडियो दर्शाता है कि बिहार में महिलाओं के लिए सम्मान के साथ उत्तम देखभाल और स्वास्थ्य सेवाओं में अभी भी कई कमियां हैं। हम सभी महिलाओं की सम्मान के साथ देखभाल और बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रतिबद्ध हैं और इस दिशा में कार्यरत रहेंगे।